चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति रेशियो क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से त्रिकोणमिति रेशियो निकाले जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति होता है तीन कोणों का मापन। किसी भी ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल का मापन करना होता है तो हम लोग त्रिकोणमिति के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है, और मान लेते हैं एंगल सी पर थीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस होती है। और थीटा के सामने जो हमारा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर लंब होता है, और जिस पे एंगल बनते हैं वो हमारे बेस कहलाते हैं। तो हमें त्रिकोणमिति अनुपात निकालना हो तो हम लोग आज पढ़ेंगे लाल बटा कक्का से किस प्रकार से हम लोग आसानी से त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। तो लाल लाल बटा कक्का में यहाँ पे हो जाएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहां पर जो लाल बटा कक्का में, जहां पे हमें एल क्या होता है, लंब होता है परपेंडिकुलर, और ए क्या होता है, ट्राइंगल का आधार होता है, बेस कहलाता है, और के क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हमें यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो साइन, मान लेते हैं हमें साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे साइन यहाँ पर है लंब अपान कर्ण। लंब अपान कर्ण यानी कि हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल के अनुसार लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान ए सी, लंब अपान कर्ण। अब इसी प्रकार से हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस थीटा में हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएंगे आधार अपान कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, बीसी, बीसी हमारा आधार है, बीसी अपान कर्ण, कर्ण है एसी। तो यहां पे हो जाएंगे आधार अपॉन एसी कर्ण। फिर बात करें इनकी, टेन की बात करें, टेन थीटा होते हैं लंब अपॉन आधार, यानी कि जो लंब है ए बी अपॉन आधार, आधार की बात करें तो है बी सी, लंब अपान आधार। अब हमें आगे कॉट की बात की जाए तो कॉट में लिखना है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार अपान लंब हो जाएंगे, कॉट कॉट थीटा बराबर हो जाएंगे, कॉट थीटा आधार, आधार है हमारा बीसी अपान लंब, लंब है हमारा एबी। तो आधार हो जाएंगे आधार और ए बी, ए बी हमारा क्या है, लंब है, लंब कहलाएंगे। अब सेक की बात करें, सेक थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा जो है कि कॉस थीटा का अपोजिट होता है। जैसा कि टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा में था लंब अपान आधार था, अब अपोजिट हो जाएगा कॉट में, तो आधार ऊपर चला जाता है और लंब नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा में, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण हमारा एसी है, एसी अपान आधार, आधार क्या है बीसी, बीसी नीचे चले आएंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण अपान आधार। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात क्या है, कोसेक, कोसेक
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक जो होता है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो साइन को पलट देना है। जैसा कि लंब अपान कर्ण है तो यहां पे क्या कर देना है, कर्ण अपान लंब, तो कर्ण हमारे हो जाएंगे AC और यह कि लंब क्या हो जाएंगे AB, कर्ण अपान लंब। इस प्रकार